आपके लिए हम ले गए हैं जुपिटर का गियर ऑयल कैसे यूज करना है, वो देखो हमारी आइटम खड़ी है। इस पे आपको पूरा हमने प्रोजेक्ट बना के दिखा दिया। अब ये जुपिटर हमने न्यू परचेज की थी, न्यू तो नहीं, खैर सेकंड हैंड। इसमें हम आज गियर ऑयल की वीडियो लेके आए हैं। गियर ऑयल का काम होता है सारी जो गरारियाँ होती है ना उनको ग्रीस करने का। एक कैस्ट्रॉल का 30 रुपीज का मिल गया था मेरे को, ईजिली मिल जाता है। अब जैसे ही हमने स्टार्ट करी, अभी थोड़ी ना इंजन में आवाज़ आएगी, नॉइज आएगी, चलो अब आपको बदल के दिखाते हैं आगे। ये हमारा चेंज करने का मेन रीज़न होता है कि कभी हमें हम सर्विस कराएं ना लोकल शॉप्स वगैरह से, तो वो इसको चेंज नहीं करते, इसकी वजह से हमारा इंजन सीज हो सकता है। अगर हम ये हम चेंज करेंगे टाइम टू टाइम, तो इससे हमारी स्कूटी की लाइफ भी बढ़ती है, एवरेज भी बढ़ती है। एंड अगर अच्छे सर्विस सेंटर से कराओ ना, सिर्फ वही चेंज करते हैं इसको। अभी हमने सेकेंड हैंड स्कूटी ली है, अभी हमको पता नहीं है इसमें चेंज हुआ है कि नहीं, बाकी अब हम चेक करके देख लेते हैं। ब्लैक कलर का निकलेगा तो बिल्कुल ही मतलब गया हुआ। जुपिटर का ये गियर ऑयल का हमारे पेच होते हैं, इधर लिखा हुआ है ऑयल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 120 ml डलेगा ये। ये हमारा परफेक्ट है। एक ये वाला बोल्ट खोलेगा ब्रेक के साथ वाला, यहाँ से हम इसको रिफिल करेंगे। ये इनलेट है, इसको इसलिए खोलना कि एयर वगैरह जो होती है, आप देख लो ये कैसे काला सा निकल रहा है। ये हमारी 3M की पॉलिश खत्म हो गई थी, चलो कुछ तो काम आया। ये कह रहे थे फैन देते, मैंने कहा रुक जा काम आ जाएगा। नीचे वाला बोल्ट इसको खोलना, जितना आपको बेस्ट दिखा सकते हैं हम दिखा रहे हैं, बाकी वीडियो में नहीं पता कि कितना क्लियर आ रहा होगा ये वाला बोल्ट। ये देख बिल्कुल ब्लैक कलर का निकल रहा है हमारा ये। अच्छा हुआ हमने इसको टाइमली चेंज कर रहे हैं, ये तो हमारा इंजन काफ़ी वीक हो सकता था। बड़ी जल्दी खत्म हो गया। ये हमारा 30 ml भी नहीं निकला, जो 120 ml की हमारी कैपेसिटी है। ये भी हम 2-4 मिनट वेट करेंगे कि सारा पुराना ऑयल सारा बाहर आ जाए। हमारा सारा गियर ऑयल ये निकल चुका है, अब हम नीचे जो हमने बोल्ट निकाला था वो वापस लगाना होगा। ये यहाँ पर लगता है, एकदम टाइट करना, क्योंकि ये नीचे की साइड लूज वर्क यहाँ पे चलता नहीं है बिल्कुल भी। इतना भी टाइट नहीं करना, ये स्लिप हो जाते हैं जल्दी। एक बार इसने अंदर टाइट कर दिया, पूरा स्लिप ही कर दिया था, फिर नया डाला था। अब हम फाइनली डालने जा रहे हैं हमारा गियर ऑयल। आपको मैं थोड़ा सा हाथ पे डाल के दिखाता हूँ कि ये सारे गंदे काम इससे ही करा। आप देख सकते हैं कितना क्लीन है, वेस्ट चेंज नहीं करनी। अब डालते हैं वापस। तेरा पजामा भी वैसे काफी क्लीन लग रहा है। ये थोड़ा एयर लेगा, इसको थोड़ा थोड़ा करके वेट करके, मतलब जैसे कि हल्का सा बाहर निकालना। क्या बात है, ये पूरा जीरो वेस्ट है। बस ये निकालने से पहले फटाफट हमने अपना स्क्रू रेडी रखना है, जैसे कि देखा था कि पहले बाहर आ रहा था। ये
ये पूरा 120 ml जो था हमारा वो बच गया है। ओहो, चलो कोई बात, वापिस डाल लेंगे अब। पीछे से उठा के डाल। ये आप देखो ऑयल कितना क्लीन है, पहले वाला आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक, बस थोड़ा सा निकला था, ये तो हमने काफी सारा डाल दिया, सारे कार्बन के अनबर्ड पार्टिकल्स है यहाँ से अंदर। सही कह रहा, ये कभी भी हमें ये चीज इसमें नहीं करनी कि गियर ऑयल की जगह इसके अंदर इंजन ऑयल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं। इसका ल्यूब्रिकेशन जो लेवल होता है इंजन ऑयल और गियर ऑयल से ज्यादा होता है, जो कि हमारा फिर ये ग्रीसिंग का काम करता है। अब इसको चला के देखते हैं, हमारी स्कूटी में कुछ चेंज आया, चेंज हमें इमीडिएटली पता नहीं लगेगा, थोड़ी स्कूटी चलाएंगे तो उसके बाद फर्क दिखेगा हमें। हाफ सेल है, स्कूटी की साउंड देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। ये वीडियो में आपने जैसे देखा ही है कि स्कूटी में गियर ऑयल को चेंज कैसे करना हमने। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।